हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं ये माता रानी की ड्रेस बनाने जा रही हूँ, गौरा माता की ड्रेस। तो देखते हैं हम कैसे बनते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक कपड़ा है, ये डबल फोल्डेड है। ठीक है, इसका मेज़र करते हैं। ये देखते हैं, ऐसे देखो, ऐसे ये हमारे पास होता है 11। और अगर हम इसको ऐसे मापते हैं तो ये हमारे पास 10 पॉइंट्स, मतलब 10 ही होने वाला है। एक पॉइंट कम है, 10 ही लेना है। ठीक है, तो अब मैंने देखो इसमें फिर क्या मैंने क्या रखा है, दोनों साइड ये मतलब मैंने अस्तर लगाने की बजाय तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया था। यही वाला कपड़ा अच्छा रहेगा अस्तर की बजाय। और फिर मैंने इसको क्या किया है, दोनों साइड क्या किया है, मैंने इसमें सिलाई लगा लिया है। देखो, डबल कपड़ा लिया, फिर मैंने इसमें दोनों साइड क्या किया, सिलाई लगा ली। अब मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने ऐसे फोल्ड किया। और फिर मैं अच्छे से फोल्ड करके एक यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी, एक यहाँ पे बारीक सिलाई लगाऊँगी टिकाने के लिए, ऐसे करके। और मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, ऐसे ये पैच लगाऊँगी। और एक और ऐसे ही मेरे पास पैच है, एक ये लगाऊँगी। ठीक है, और नीचे मैं इसमें एक लैस, ये वाली देखो, ये वाली लैस मतलब ऐसे लग जाएगी ना, ऐसे लग जाएगी, इसीलिए मैंने ये इस पर यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई, नीचे सिलाई नहीं लगाई, ये ऐसे लग जाएगी। अगर ये किनारी है, इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे ऐसे लैस लगा दूँगी मैं इस तरह से। ठीक है ना, ये पूरे पे लैस लग जाएगी इस तरह से। फिर ये हो गया माता रानी का लहंगा, ये माता रानी का लहंगा होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं ये मैंने एक और तो लिया है अलग से पीस, ये देखते हैं कितना है। ये देखो, ये हमारे पास है 8.5। अगर इसको पूरा ओपन करें ऐसे, ये 17 है, इसकी 17 इसकी लेंथ है और ब्रेथ इसकी है 6। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माता रानी की चुंदड़ी बनाएंगे। माता रानी की चुंदड़ी कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से ऐसे करेंगे, इधर से भी ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर हम इसको सीधी साइड से ऐसे रखेंगे, दोनों साइड से ऐसे मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे। और ये ही वाली लैस मैं इस पर भी लगा दूँगी, चुंदड़ी पर ऐसे बनाएंगे। और ऐसे मैं लैस लगा दूँगी दोनों साइड, एक इस साइड एक इस साइड। इस साइड और इस साइड मैं नहीं लगाऊँगी क्योंकि मेरे पास लैस थोड़ी कम है, और ज़्यादा होती तो मैं दोनों साइड लगा देती, इसीलिए मैं एक साइड लगाऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस पर लैस लगा ली है साइड से, किसी साइड में सिलाई लगा के दोनों साइड, फिर मैंने ये लैस लगा लिया है। अब मैं चुंदड़ी पर भी लैस लगाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे गोटा पट्टी लगा ली है, चुंदड़ी ये तैयार हो गई है। और एक ये मैंने माता रानी का जो लहंगा बना रही हूँ मैं, इसमें भी मैंने ये भी पैच भी लगा लिए। अब देखो ये पैच क्या होते हैं ना, ये इसमें सारे पे सितारे ये मोती लगे हुए हैं, तो वैसे ये हमें सुई से लगाने पड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ क्या है, आप इसको सुई से ना लगा कर, ये देखिए ये मैंने जो है ना ये बीच में यहाँ पे साइडों में टाका लगाया हुआ है, मशीन से ही मैंने ये लगाया है। आप जो ये गैप होता है ना, ऐसे ऐसे मशीन को घुमाते जाइए इस तरह से, और यहाँ पे यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाते जाइए, तो बहुत ही ईजिली ये लग जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दोनों लगा लिए हैं, ये धागा मैं कट कर देती हूँ। ये हो गया, तो ये लहंगा हमने वैसे कर लिया है और ये चुंदड़ी हमने ये ऐसे तैयार कर लिया है। अब ये लहंगा हमें कंप्लीट कैसे करना है, तो ये देखिए, ये हमें एक पट्टी लेनी है, ये डेढ़ इंच की या 2 इंच की हम ले सकते हैं। और ये इस तरह से ये जो लेंथ है इसकी 18 इंच है। ठीक है, ये 18 इंच है। अब हमें इसको इसमें कैसे जॉइंट करना है, ये देखिए, ये जो हमारे पास है ऊपर का हिस्सा है जो ये, इसको हमें क्या करना है, इस तरह से इसमें चुन्नट डालने हैं बारीक बारीक। ठीक है, दोनों को इस तरह से चुन्नट डालने हैं और इस तरह से ऐसे
ऐसे बारीक बारीक हमने चुन्नट डाल लेने हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से चुन्नट डाल के फिर इसको कैसे करना है, ऐसे ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा मोड़ा ऐसे, फिर इसको ऐसे मोड़ा और फिर इसको ऐसे मोड़ा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मोड़ना, लेकिन इसके हाफ़ में, इसका जो हाफ होगा ना, हाफ़, अभी मैं इसको हाफ में लगा देती हूँ, निशान लगा देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए इसके हाफ पे मैं ऐसे कट कर दूँगी। और जो इसका हाफ़ होगा, इसका हाफ़ होगा वो जो चुन्नट डालने के बाद, फिर उसको ऐसे मिलाएंगे। अभी मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने चुन्नट डाल दिए है इसमें, ठीक है। फिर जो इसका हाफ़ होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसका हाफ़, और वो पट्टी है जो इसका हाफ़, इसका हाफ़ और इसका हाफ़ हमें ऐसे मिलाना है। हम देखो ऐसे इसको पीछे की साइड से, इसको पीछे के रखना है, आगे ऐसे रखेंगे। देखो इसको पट्टी को ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे किया, और इधर से भी ऐसे है, और इधर से भी ऐसे है। एक ही बार में हो जाएगी सिलाई अगर हम इस तरह से करेंगे तो, ठीक है। वरना तो हम पहले इसको ऐसे मोड़ेंगे, इस पर सिलाई करेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ऐसे करने की बजाय हम सीधा क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको इसके ऊपर रखेंगे बीच में, और इसको ऐसे करके सीधा ऐसे रखा, और पूरे पे हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये माता रानी का लहंगा तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ तैयार। ये देखिए गाइस, ये मैंने सिल दिया है, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। इस तरह से ये पीछे हम बांध देते हैं, और ये माता रानी की चुंदड़ी। अब हम इसको ऐसे ये देखिए, बहुत ही प्यारी ड्रेस लगती है ये, छोटी सी गौरा माता की। मंदिर जाती हूँ, श्रावण का महीना चल रहा है ना, तो मंदिर में डेली मैं ड्रेस माता रानी को पहना के आती हूँ। जो शिवलिंग के पास होती है गौरा माता, उनको मैं ड्रेस पहना के आती हूँ, बहुत ही प्यारी लगती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।